ऑपरेटर। ऐसे आई एम कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली बाय डिफॉल्ट बिजनेस ही करना था और उसको समझ आता ही नहीं था और कोई चॉइस ही नहीं था। ठीक है, और बिजनेस भी पार्लर वाला करना था बट समाउ को पता नहीं क्या हुआ अंदर, बिकॉज आई वाज ट्रेन टू टेक केयर ऑफ माय बी वन ऑफ पार्ट ऑफ माय फादर्स बिजनेस। बट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई ऑलवेज थॉट यार चाइल्डहुड एंड कॉलेज में आया तो यू नो इट्स वेरी इजी टू जॉइन योर फादर्स बिजनेस। दिस इज माय थिंकिंग, वाज माय थिंकिंग, सॉरी दिस वाज माय थिंकिंग, इट इज ऑलवेज इजी टू जॉइन योर फादर्स बिजनेस एंड ऑलवेज आई मीन आपको कुर्सी टेबल मिलती है, यू नो यू ऑलवेज लाइक दैट एंड इट्स इजी, बट आई नेवर वॉन्टेड पीपल टू रिस्पेक्ट मी फॉर माई पोजिशन इन टर्म्स बिकॉज आई वॉज माई डॉटर ऑफ माई फादर, समझा? इसलिए आई ऑलवेज वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई टुक अ डिसीजन दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू जॉइन माई फादर्स बिजनेस। ठीक है, इट वॉज अनफॉर्चुनेट पर्सनल, ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज ऑब्वियसली वेन यू आर बीइंग ग्रूम्ड फॉर इट एंड वेन यू डोंट डू इट इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बट फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि थैंक द रियल स्ट्रगल स्टार्टेड। The struggle started in which way I would never have, that's why none of my companies are anywhere related to what my father's company's names are or brand names are. And that's where the struggle started in terms of me going to the field and talking to people, basic fundamental of an entrepreneur. Take it from, aaj main aapko do ya teen cheez khas important hogi. And as an entrepreneur, you have to work at the ground level. अगर आप सोचोगे कि मैंने पढ़ाई की है IIM, MBA, जो भी आपसे पढ़ के रखिए अच्छी बात है, वेरी गुड, गो एंड डू इट, बट इफ यू डोंट गो वर्क एट द ग्राउंड लेवल यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ। सो आई स्टार्टेड गोइंग ऑन द फील्ड, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, रूट लेवल पे, ग्रासरूट लेवल पे काम किया। ठीक है, एंड आई स्टार्टेड माय IT कंपनी। अब IT कंपनी क्यों? वेरी सिंपल, बिकॉज इन दोस डेज IT वॉज अ बहुत बड़ी चीज थी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज कही जाती थी और लोगों को समझ ही नहीं पड़ता था क्या है। और सेकंडली माई पर्सनल इंटरेस्ट फॉर IT वॉज इट वॉज अ नॉलेज फील्ड। आई वॉज ऑलवेज टॉट फ्रॉम माई चाइल्डहुड कि आप नॉलेज इज पावर। ठीक है, मनी इज नॉट पावर, नॉलेज इज पावर। सो IT इज अ नॉलेज फील्ड। मैं जब अपना मास्टर्स कर रही थी तभी भी आई स्टिल रिमेम्बर के वो पढ़ाई आरो कॉलेज बैक बेंचर, तो पीछे बैठ के हमेशा मैं प्रोग्राम्स लिखती थी, यू नो आई ऑलवेज फील के मैं बहुत होशियार अक्कल वाली हूँ, राइट? सो मैं पीछे बैठ के प्रोग्राम लिखती थी जबकि मैंने दो तीन कंप्यूटर क्लासेस चेंज किए थे, एंड इसलिए चेंज किए थे क्योंकि मेरे को महंगे पड़ते थे और मेरे को सही वो सिखाते नहीं, एंड द कैपिटल इज ऑब्वियसली मनी एंड यू डिवाइड्स इन IT, यू डॉट डिवाइड दैट इन कैपिटल, योर इन IT योर कैपिटल इज योर बेस। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड विद IT एंड इनफैक्ट आई थिंक आई ऑल्सो गॉट व्हाट यू कॉल पैशन अबाउट इट, कि यार मेरे को अच्छा लगा क्योंकि वो नॉलेज वाला फंडा था एंड एवरीबडी फील्स दे आर वेरी ब्रिलियंट होशियार एंड ब्लाह ब्लाह ब्लाह। सो आई स्टार्टेड विद दैट। Then it happened such कि अब मैंने जब स्टार्ट किया, ये सुनने वाली बात है, बहुत सुननी अच्छी वाली बात है कि मैंने स्टार्टेड तो क्या करेंगे क्या करेंगे, तो एक तो मेरा एकदम इनिशियल स्टार्टिंग वाज विद सॉफ्टवेयर फॉर ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑल दैट, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग व्हिच डिड समवॉट वेल, बट देन आई जंप टू मल्टीमीडिया। एट दैट टाइम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, अभी तो यू एक घंटे 10 मिनट, उस टाइम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ये बहुत बड़ी चीज है, उसकी एडिटिंग और वो सब के लिए बॉम्बे जाना पड़े, बड़े स्टूडियो चाहिए, 1.3 स्टूडियो चाहिए, रेंडरिंग करने का बहुत टाइम लगता है, पूरे पूरे रात कंप्यूटर्स चलते हैं, यू नो ब्ला 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 ब्ला। तो वेन आई स्टार्टेड इन मल्टीमीडिया एट दैट टाइम, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, द कॉस्ट ऑफ अ सीडी ड्राइव एट दैट टाइम यूज़ टू कॉस्ट 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए की सीडी ड्राइव थी, जो भी आई थिंक 500 रुपए की आती है, 700 रुपए की आती है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस वक्त क्या सीन होगा। ठीक है, तो वेन आई स्टार्टेड विद दैट पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड मल्टीमीडिया, और जो अंडरस्टैंड कर रहे थे वो उसको पैसा बहुत लग रहा था क्योंकि 5-7 लाख का वो प्रेजेंटेशन बने ला रहा था, सो दैट थिंग डिड वर्क आउट। बट वेन आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर दैट, एक हैपन सच के फील्ड में जाते थे जब सबको मिलते थे, तो आई फाउंड आई गॉट अ कंपनी थ्रू एन इन टू वेल्स देवन टू समथिंग इन वेब, आई थिंक कुछ नहीं देवन टू राइट क्या देवन टू दिस डिरेक्टरीज, टेलीफोन डिरेक्टर है, कौन सी डिरेक्टरी बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल डिरेक्टरी बनाते हैं, तो दे अप्रोच मी विद आई सॉरी इंडिया वॉन्ट इट नॉट एट दियर वॉज इन 93 अप्रॉक्स 93-94 ठीक है। सो कमिंग बैक टू इलेवन इंटू दिस इंडस्ट्रियल डिरेक्टरी, तो आस्किंग कि वी विल क्रिएट अ वेब, उसको तो फोटो भी कोई शायद जाते नहीं थे, सो उनके लिए वेबसाइट और वेब पेजेस बना, आई वॉज वेरी कूल अबाउट इट, यार अच्छा हुआ क्योंकि मैं मल्टी मीडिया की आनी जानी हो नहीं रही है मेरी, बट इट हैपन्स कि मैंने अपना स्टूडेंट ऑफ थोड़े पीसीज और लगाए और मेरे पास पैसे नहीं थे एम्प्लॉय करने के लिए लोगों को, सिंपल रहता है, एंड सेकंडली पीपल डिड नॉट हैव देयर नो ऑफ वेबसाइट्स,
इम्पोर्टेंट पार्ट उनको सिखाया नहीं जाता, एचटीएमएल किसी को सिखाया नहीं जाता था उस वक्त। तो व्हाट आई डिड, आई टुक सम पार्ट टाइमर्स एंड टोल्ड देम आई टीच यू एचटीएमएल एंड यू गॉट टू वर्क फ्री फॉर दिस सिंपल पीरियड एंड आई टीच यू इट द व्हाट आई सेड यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू टीच यू, आई विल गिव यू फ्यू बुक्स एंड गिव यू पीसीज एंड यू जस्ट वर्क ऑन दैट। सिमिलरली फॉर द डिजाइनर फॉर डिजाइनिंग पार्ट ऑफ इट आई वेंट टू सी एंड सी एंड डिजाइनर and spoke to the principal and said, देखो मेरे पास आई वॉन्ट टू गेट टू दिस एंड दिस इज दी अपकमिंग फील्ड डिजाइनिंग। उस वक्त पेज मेकर वॉज वेरी पॉपुलर, पेज मेकर एंड कोरेक्टर वॉज पॉपुलर, फोटोशॉप आता है। तो आई सेड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव फैसिलिटीज टू योर स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू वर्क इन टर्म्स ऑफ गिव देम फैसिलिटी दे कैन कम एट आवर एंड एंड दे कैन लर्न एज वेल एज वर्क। तो नोटिस बोर्ड पे लगा दिया और आई गॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दैट एंड सो फिर तो मेरे को दो शिफ्ट चालू कर देनी पड़ी, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू आर इंटरेस्टेड। तो इसके दैट इज हाउ आई मैनेज इनिशियली टू स्टार्ट माय वर्क। सो मेरा स्टूडियो तैयार हो गया, टेक्निकली तैयार हो गया, एचटीएमएल तैयार हो गया। उस वक्त एचटीएमएल वॉज द हार्ड वर्क प्रोग्रामिंग थी, फ्रंट पेज था बट वी डिड नॉट वर्क इन फ्रंट पेज बिकॉज़ आई डिड नॉट लाइक फ्रंट पेज। सेट हो गया था, मैंने कहा अभी मैं याद कर पड़ी बट व्हाटएवर के जो कंपनी के किसी साथ मेरा टाइप था वो कंपनी ने हाथ पीछे कर दिया कि भैया हमको तो ये काम नहीं करना। सो अब मेरा जो टेक्निकल टाइप था, टेक्निकल जो मेरा काम था वो बिल्कुल डिपेंड फॉर अ टॉस। सो नाउ आई थॉट नाउ आई डोंट हैव अ चॉइस बट लेट मी डू वन थिंग, बट भैया की आनी जानी होने रही है, लोगों को बहुत पैसा लग रहा है, सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी स्टार्ट विथ माई सर्टिफिकेट। सो देट वी स्टार्टेड आवर सेल्फ मार्केटिंग ऑन वेबसाइट्स। सो देट इज हाउ आई स्टार्टेड माई करियर, वन पार्ट ऑफ इट वॉज विद वेबसाइट्स आईडी। The best part again, when we used to go and talk with people, you know, as such when you start your business, you are very fundamentally clear that corporates mein jayenge bikega. But my experience and take home thing was that corporates mein mera bahut kharab experience raha hai, kai logon ka raha usme mera bhi hai. The reason being ke wo chai karta ki ye garam hota tha usme, you understand that? Decision aate nahi the, ghumate the, down the level aadmi pehle ghumave bichara saab 5 minute appointment de rahe और वो डाउन द लेवल आदमी साहब बिजी है साहब यहाँ मीटिंग पिटांगा पुटांगा और दैट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद देम। और फाइनली जब होता है तो वो साहब तो क्या करे, वो डाउन द लेवल टंगी मारे पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू वो क्या करेंगे, एकदम नेगोशिएट मारे। क्यों नेगोशिएट कर, हमारी कंपनी के साथ तुम ज्वाइन हो गए तो तुमको बहुत ऑर्डर मिलेंगे। यू नो ऐसा क्या बोले यार, मेरा दिल चलता है क्या बोले। But you know, so ultimately at the end of the day, and yes, I did lot of free jobs. I did lot of free jobs to prove myself, sir. I had to do from free jobs to prove myself because when there was as a client list, nahi tha, right? But now doubt is like command and demand. Sir, ye mera client list hai, ye kaam kiya hai, now I cannot do free job for you now. If you want, pay me some money and then we can go ahead. So at that time, what I'm trying to tell you guys is, as an entrepreneur, you have to pursue a lot of free jobs, but see to it that you are not misused. People don't misuse as a doormat. I was very clear. अगर मैंने किसी का free job किया है तो मैं बहुत clear थी कि वो आदमी मुझे misuse ना करे, क्योंकि designing is such a field कि वो लोग क्या करेंगे पहले, अरे यार ये अच्छा, क्योंकि इनिशियली जब तुम डिजाइन ले करते हो कोई इन एडवर्टाइजमेंट भी क्या वेबसाइट भी कोई भी देती है, तो इनिशियली पुट अप अ डिजाइन इन प्लेस, यू डोंट डू एवरीथिंग यू डू दैट, एक ड्राफ्ट ड्राफ्ट बनाते हो बराबर है, फिर यू नॉट द डिजाइन इवॉल्व होती है विद द इनपुट फ्रॉम योर कस्टमर। तो कई कस्टमर क्या करें, कुछ देखे फिर उनको जजमेंट जा रहा नहीं है वॉट एवर रीजन, तो फिर वो सोचे ऐसे भी पैसा दी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसिस रहेगी जिसने जिसने पैसे नहीं दिए वो दे ट्राई टू दैट बच कि नहीं यार मजा नहीं आया, तब भी उनसे है कि नहीं सर इसमें इतना जल्दी थोड़ी मजा आने वाला है, ये तो कंसेप्ट है, ऐसा ऐसे मजा नहीं आता, ऐसे डिजाइनर नहीं बनती है कि पहले दिन बना दी मजा आ गया, ठीक है। सो वी हैड वी आर वेरी क्लियर, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, डोंट मिसयूज, क्योंकि होगा कि एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने ये महसूस कई बार किया था कि पीपल ट्राई टू यूज यू सिंपल, ठीक है, यूज इंटर के लाने फ्री में काम कर रहा था। एक तो मेरा मेजर चैलेंज था, प्रॉब्लम था, मेरा चैलेंज ये था कि एक तो लड़की, दूसरा यंग इंटर्न, दो बच्चे लगे हम लोग, बट लकीली एक चीज अच्छी क्या हुई कि बच्चे थोड़े कम लड़ने लगे, क्योंकि आईटी फील्ड ऐसा था जिसमें 23 साल का लड़का सीईओ था, सो आईटी वॉज ओनली फील्ड वहां तुम्हें 23 साल का सीईओ बना, वरना जब तुम किसी बॉस को मिलने जाओ तो एल्डरली आदमी मिलेंगे और अपने बच्चे जैसे बात लगे, बट बीइंग अ गर्ल मेरे को फायदा ये भी हुआ कि मुझे बाहर अपॉइंटमेंट हो के ना वो बाहर बैठने को कम टाइम देते थे, 10 मिनट मतलब बुला लेते थे, सो दैट वाज माय हेड बेनिफिट टू इट, क्यों भैया इसी में ऐसी आ रही है क्या, ठीक है। तो कमिंग बैक टू, सो व्हाट आई वांट टू, व्हाट लर्निंग आई वांट यू टू टेक होम, सी टू इट दैट पीपल डोंट मिसयूज योर टैलेंट, एंड फॉर हाउ टू सी टू इट इज वेरी वेरी सिंपल, कि जब भी मैं ये करती
कि जब भी आप यू नो यू टू कम्युनिकेट विद योर कस्टमर योर क्लाइंट एंड सी टू एवरी टाइम उसके दिमाग में डालो कि सर इसके बाद ये लगेगा और इतना इसका पैसा लगेगा इन अ वेरी स्वीट टर्म सो दैट द क्लाइंट कैन नॉट बच. ये मेरा हमेशा रहा है और आई ऑलवेज लाइक टू से टू द योर लॉट ऑफ स्टोरीज व्हेन आई गो टू सेमिनार्स या हमको लोग यूज करते हैं फीमेल करवाते हैं बिकॉज यू आर फ्रेशर्स. सेकंडली देन व्हाट हैपेंड टू मी सो देन आई गॉट इनटू दिस फील्ड एंड द चैनल सो कॉर्पोरेट्स मेरे को फायदा ही नहीं था तो चैनल भाई को जब मैं वर्क पर जाती थी ओडो जाती थी गरोड़ा जाती थी नारो जाती थी उस वक्त कोई लैपटॉप नहीं था आई कुड नॉट अफोर्ड लैपटॉप फॉर माय कंपनी फॉर माय सेल्फ फॉर माय कंपनी तो हम लोग खुद वो डेस्कटॉप लेके जाते थे. तो बेस्ट पार्ट अबाउट वटवा ओडो नरोड़ा नारोल इज दैट आप लोग सोचोगे यहाँ से बट वटवा ओडो नरोड़ा नारोल ने मेरा कैरियर बनाया है वहां पे यू नो वो मालिक खुद फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे वो मालिक जैसा दिखे ही नहीं हाथ पे राड़ो या गोल्ड चेन हो तब पता चले हाँ ये मालिक सही सी होना मालिक जैसा दिखा ना आप बोलो करके ऐसा खड़ा हो जाए तो सालों बोले अपने पहले से बात कर रहे हैं क्या फिर वो फिर मजा क्या है डेमो देना अब डेमो में खरगोट मॉडर्न डायलॉग मॉडर्न चलता है ठीक है अब उसके लेटर से केमिकल मेरा केमिकल्स डाइस्ट ऑफ इंडस्ट्री पर ग्रिप हो गई थी एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट ग्रिप अगेन गुड टेक दैट ऑल्सो इन माइंड कई बार लोग अगर मेरे कॉम्पिटिटर बोलते थे सर ये सब डाइस्ट ऑफ की साइट बनाती है कॉम्पिटिशन की बनाती है तो मैं उल्टा कहती कि सर अगर आपकी साइट खुद कॉम्पिटिटर्स की साइट मैंने बनाई है अगर मेरे पास 10 अहमदाबाद के बेस्ट डाइस्ट ऑफ वाले आपकी साइट में एक साथ आपके बारे में भी मेरे साथ है बेस्ट डाइस्ट ऑफ उसका मतलब ये क्या है हाउ टू मेंटेन देम इससे तो आपका फायदा क्या मैं 10 से तो आपका 11वां 12वां होगा इट इज नॉट अगेंस्ट यू सो यू इट्स बेटर यू गिव मी योर ऑर्डर कभी मैं तू जो वटवा ऑर्डर बना था उसके 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का टर्न ओवर हुआ बट वो ऑर्डर देने में उसको 5 मिनट भी ना लगे वंस इट मेक्स इट अप इट डिसाइड्स वंस इट डिसाइड्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट या वो बोला कि बैन करना क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर गाना करने लगा आदमी को तब तो टेलीफोन था मोबाइल तो था ही नहीं होता और लैंडलाइन थी तो पैसा लगता था अभी कभी लैंडलाइन को लैंडलाइन की वाला चक्कर करके उसको हर दर या वो काले फोन कर दो 4 दिन प्रति कर दो 6 दिन प्रति फोन कर दो उसको गाना कर देने का ऐसा गाना करने का फॉलोअप में हम लोग बहुत क्लियर थे अगर अगले ने फोन रख दिया हो ना कई बार जो आदमी का माइंड सेट होता है वो कोई दूसरे काम पे होता है बीवी से तकड़ के आता होता है मजदूर का प्रॉब्लम होता है कुछ भी होता है तो माइंड सेट उसका कहीं भी होता है तो वो कई बार ना अभी भी करके रख दिया तो भी 2 दिन के बाद सर नाराज नहीं गया सिंपल सो यू डोंट नेवर फील ऑफेंडेड आई ऑलवेज टोल्ड माय पीपल यू शुड नेवर फील ऑफेंडेड व्हेन यू आर डूइंग योर सेल्स एंड मार्केटिंग एंड फॉलो अप और इतना हद तक फॉलो अप करो कि अगला ऐसा बोल ही देवे कि मैं बना सकूं तो मैं बना सकूं और ऐसा होगा मेरे साथ जब भी जितने भी मेरे फॉलोअर्स थे या जितने भी हमारी डायरी में या अकाउंट में थे ये वो आज से तो कॉल बोलो कन्वर्ट हुए ही है उसमें कोई डाउट नहीं एंड वंस इनिशियली आता है तो बेस्ट थिंग मार्केटिंग सेल्स यू मदद करें ऐसे तो मैं टेक्निकल पर्सन की कंपनी सेल्स मार्केटिंग नहीं करता हूँ खुद अल्टीमेटली जो बिकता है जो सेल होता है वही फाइनल होता है वरना टेक्नोलॉजी तो आती है जाती है डजंट मेक मच सेंस सिंपल दैट्स एक्सेप्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजी से बट इफ यू कांट सेल इट गुड अबाउट दैट तो जो व्हाट वी डिड वी यूज्ड टू डू लॉट ऑफ फॉलोअर्स आई वांट व्हाट आई वांट द गाइस वांट टू डू व्हाटएवर यू डू व्हिचएवर थिंग यू डू यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट एंड डू लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स एंड नेवर टेक ऑफेंड कभी मत हो जाना आई नो लॉट ऑफ यूर क्योंकि मेरे यहाँ तो बच्चे जल्दी ऑफेंड हो जाते कोई ईगो आ जाता है मैंने कहा तेरे को ईगो कहाँ से आ गया अगर लेटर से तेरा भी कई बार मूड नहीं होता है तो तू भी कभी ऐसा बोल देता है तो छोटे ना तो भाई अगर कस्टमर का मूड नहीं है नहीं मेरी इंसल्ट कर दी अरे कहाँ इंसल्ट करती उसमें इंसल्ट किया अगर उसको नहीं किया तो तू जबरदस्ती थोड़ी थपकाएगा लेकिन आज नहीं तो कल उसको चाहिएगा और ये जो फंडा था मेरे को मेरे ISP बिजनेस में भी जो बाद में था उसमें भी काम लगा क्योंकि अगर एक ISP कनेक्शन किसी ने ले लिया है तो वो लाइफ में तो चलने वाला है गो ऑन रिपीटिंग दैट कॉल सो इफ नॉट टुडे टुमारो इज गोइंग टू कम एंड टेक इट फ्रॉम यू कमिंग बैक टू the journey part of it. So that is how I started my career. Now one more, so that's how I used to get orders. So mere ko whatever order naroda naro se jaldi order milte the corporate se order nahi milte the aur aaj ki tarikh mein bhi wahi hai. Jai karta ki ke gar wo sudharne wala nahi aur hum bhi sudharne wale nahi hum unko uthe wo karte aur kai baar you have to then bypass it. Which now we can do it but still we could not do it. Because we were new. But now at this stage we can do it. ठीक है एंड नाउ थैंक्स टू ईमेल ऑल्सो वो पहले ईमेल इतना यूज नहीं होता था तो डायरेक्ट उसके सीईओ से ईमेल डाल दो काम हो जाता है अपना एयरपोर्ट में जाते थे तुमको पता ईमेल डाल दिया था फोन दिया था